हेलो एवरीवन, आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट में मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव टू गांधीयन सोशलिज्म? गांधीवादी समाजवाद का विकल्प क्या है? ए सर्वोदय, बी ट्रस्टीशिप, सी स्वदेशी, डी राम राज्य। आप वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। अब इस सवाल का आंसर क्या होगा? गांधीवादी समाजवाद का विकल्प क्या है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत गांधी जी ने दिया था वो उनके समाजवाद का सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या कहती है? ट्रस्टीशिप में गांधी जी ने कहा है कि जो संपत्तिशाली व्यक्ति हैं वो अपनी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं बल्कि ट्रस्टी हैं। जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अगर वो समझते हैं कि वो प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो ये बिल्कुल गलत है। प्रॉपर्टी के वो ट्रस्टी हैं, प्रॉपर्टी का ओनर वो नहीं, प्रॉपर्टी के ओनर गॉड हैं। एक इंडिविजुअल सिर्फ प्रॉपर्टी का ट्रस्टी हो सकता है और प्रॉपर्टी इंडिविजुअल की है, पर जो उसका कंजप्शन होगा वो सार्वजनिक किया जाए, यही ट्रस्टीशिप की थ्योरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल मूवमेंट दैट बाल गंगाधर तिलक ज्वाइंट? पहला राजनीतिक आंदोलन क्या था जिसमें बाल गंगाधर तिलक शामिल हुए थे? ए जन लोकपाल बिल में, बी सत्याग्रह में, सी नामांतर आंदोलन में, या डी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तिलक जी के लिए पूछ रहा है कि पहला राजनीतिक आंदोलन का कौन सा था, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पहला पॉलिटिकल मूवमेंट है बाल गंगाधर तिलक का, जो उन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच बुक इट इज रिटन दैट वन शुड नॉट इंसल्ट इवन अ चाइल्ड हु इज रेप्यूटेड टू बी द किंग एज एन ऑर्डिनरी पर्सन? हिंदी में किस ग्रंथ में लिखा है कि साधारण मनुष्य मानकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित बालक का भी अपमान नहीं करना चाहिए? ए अघाना सूत्ता में लिखा है, या अर्थशास्त्र में लिखा है, या फिर धर्मशास्त्र में, या फिर शांति पर्व में? इसका सही आंसर क्या होगा? आपने अघाना सूत्ता भी पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र भी पढ़ा है, कौटिल्य आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और धर्मशास्त्र है, शांति पर्व भी है, ये पर्व है, बताइए सही आंसर क्या होगा? ये लाइन किस बुक में लिखी हुई है? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। धर्मशास्त्र ये कहता है कि साधारण मनुष्य मानकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित बालक का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी मनुष्य के रूप में स्थित दैवीय शक्ति का ही प्रतिनिधि है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर गॉड को, और आपको पता ही है कि धर्मशास्त्र स्टेट की ओरिजिन डिवाइन थियोरी से ही मानता है कि जो पीपल थे स्टेट में रहते थे उन्हें काफ़ी डर था पावरफुल पीपल से, उनके ऊपर वो अत्याचार करते थे, तो जो प्रजा थी वो बहुत ज़्यादा निराश थी और उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए गॉड से प्रे किया, दुआ किया कि हमें कोई रक्षा करने के लिए हमारे लिए किसी को भेजिए। तो भगवान ने उनकी रिक्वेस्ट को माना और उनकी सुरक्षा के लिए राजा को भेजा, किंग को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन टू एस्टैब्लिश द मौर्यन एम्पायर? किस वंश को उखाड़ कर मौर्य समाज की स्थापना की गई, बताइए किस वंश को उखाड़ के मौर्य समाज की स्थापना की गई है? वर्धन डायनेस्टी की, या नंदा डायनेस्टी की, या हरियक डायनेस्टी, या फिर तुगलक डायनेस्टी की, किस वंश की?
अब ये आपके लिए कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, अगर कौटिल्य मेंशन है तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि अर्थशास्त्र में ही ये सब बातें लिखी हुई हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, और ये आ भी सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में या मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, तो आपको वो आना चाहिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नंदा डायनेस्टी, नंद वंश को उखाड़ने के बाद ही मौर्य समाज की स्थापना की गई थी। नंद डायनेस्टी जब थी तो उस समय कौटिल्य का काफ़ी वहाँ पर अपमान किया गया था, नंदा डायनेस्टी में जो किंग थे उन्होंने कौटिल्य का काफ़ी ज़्यादा अपमान किया था, तो कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिल करके नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रोन करके मौर्यन डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु कॉल्ड ब्रिटिशर्स एज द फादर ऑफ इंडियन डिसअफेक्शन एंड बिगेस्ट ट्रेटर, किसने अंग्रेजों को भारतीय निराशा का पिता और सबसे बड़ा गद्दार कहा, ए गांधी ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर श्री अरविंदो घोष ने। इसका सही आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ब्रिटिशर्स को कहा है, किसने कहा है, आपने गांधी भी पढ़ा है, गोखले जी को भी पढ़ा है, तिलक को भी पढ़ा और अरविंदो घोष को भी पढ़ा, किस सिलेबस में है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने ही अंग्रेजों को भारतीय निराशा का पिता और सबसे बड़ा गद्दार माना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हितवाड़ा द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन 1911 वाज इनिशियली पब्लिश्ड फ्रॉम, हितवाड़ा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1911 में शुरू किया गया अखबार शुरू में से प्रकाशित हुआ था कहाँ से, मुंबई, बी पुणे, सी सोलापुर, डी नागपुर। इसका सही आंसर क्या है, अब आपको यहाँ पर एक चीज तो बता दी गई कि जो हितवाड़ा न्यूज़पेपर है हितवाद, ये गोपाल कृष्ण गोखले का है, इन्होंने स्टार्ट किया था। अब इसकी पब्लिशिंग किस प्लेस से सबसे पहले इनिशिएट की गई, आपको यहाँ पर ये बताना है, 1911 में किया गया, ये भी आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो बहुत टफ आपके लिए नहीं होना चाहिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नागपुर में ये सबसे पहले प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ था, इंग्लिश लैंग्वेज में ये न्यूज़पेपर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस वॉज पब्लिश्ड इन द डेली वंदे मातरम, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दैनिक वंदे मातरम में प्रकाशित किया गया था कब, अप्रैल 1907, अप्रैल 1906, अप्रैल 1905, अप्रैल 1904, अप्रैल 1907 है, 1906, 1905 या 1904, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अभी आपसे यहाँ पर यह भी नहीं पूछ रहा है कि वंदे मातरम न्यूज़पेपर किसका है, क्योंकि उसी के अंदर ही पैसिव रेजिस्टेंस की बात की गई है, सिर्फ पूछा गया है कि ये पर्टिकुलरली किस महीने में या किस साल में ये पब्लिश हुआ था वंदे मातरम दैनिक में ये सिद्धांत। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अप्रैल 1907 1907 में वंदे मातरम अखबार श्री अरविंदो जी का है, और इसी में इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस मेंशन किया था, इन्होंने ही निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत की शुरुआत की थी, जिसमें कि क्या था, जिसमें कि था कि जो ब्रिटिशर्स हैं हमें उन्हें बायकॉट करना है एवरी फील्ड में, उनकी बनी हुई चीज़ों का या उनकी दी हुई जॉब का, हर तरह से हमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी को जाम कर देना है बिना कोई हार्म पहुंचाए, सिर्फ एक बायकॉट करने से ही उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और ऐसी कंडीशन शायद उनके ऊपर क्रिएट हो जाए जिससे कि वो हमारी जो डिमांड्स हैं वो सुन लें, उन्हें एक्सेप्ट कर लें। इसी वजह से निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत श्री अरविंदो जी ने दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एट्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस द मुक्ति मिशन इन पुणे, निम्नलिखित में से कौन पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना करता है, ए पंडिता रमाबाई, बी
सावित्रीबाई फूले, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी ज्योतिबा फूले। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चंस आप सारे लास्ट तक जरूर लगाया करिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चंस अगर आपकी प्रैक्टिस में रहेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पंडिता रमाबाई ने ही मुक्ति मिशन की स्थापना पुणे में की थी, किस साल की थी? 1889 में। केड़गांव एक प्लेस था पुणे में, वहीं पर की थी। और इसका एम क्या था मुक्ति मिशन का? ये एम्पावर करने के लिए इंडियन वुमेन्स को और चिल्ड्रंस को इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और जगह देने के लिए जो यंग विडोज हैं जिनको घर से निकाल दिया जाता था या किसी तरह की वो अत्याचार की शिकार होती थी तो उन्हें यहाँ पर जगह दी जाती थी इस मिशन के अंतर्गत। और पंडित रमाबाई ने ही शारदा सदन की भी शुरुआत की थी जिसमें कि हाउसिंग, एजुकेशनल या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग या मेडिकल सर्विसेज दी जाती थी विडोज को या फिर जो अनाथ बच्चे थे या जो विजुअली चैलेंज लोग थे। दोनों चीज़ें मुक्ति मिशन और शारदा सदन दोनों की ही शुरुआत पंडित रमाबाई ने ही की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाइन्थ क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर एट एलिफेंटस्टोन कॉलेज इन। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्हें एलिफेंटस्टोन कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। अब ये कॉलेज कहाँ है बताइए, मुंबई, लंदन, दिल्ली या स्टटगार्ट? इसका सही आंसर क्या होगा? पहले इंडियन आपको बता दिया दादा भाई नौरोजी एलिफेंटस्टोन कॉलेज में प्रोफेसर बने थे, लेकिन अब ये कॉलेज था कहाँ? इसका सही आंसर क्या है? चार प्लेसेस आपको दी गई हैं। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मुंबई में एलिफेंटस्टोन कॉलेज था और वहीं पर ही दादा भाई नौरोजी को सबसे पहले इंडियन के तौर पे अपॉइंट किया गया था प्रोफेसर के पद पे। ये बात भी है दादा भाई नौरोजी ने यहाँ से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की थी 1845 में, और बाद में इनको 1848 से 1849 के बीच में यहाँ का प्रोफेसर भी नियुक्त कर दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टेंथ क्वेश्चन है, विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर प्रपाउंडेड दैट रीबर्थ इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल इवोल्यूशन। निम्नलिखित दार्शनिकों में से कौन सा एक है कि पुनर्जन्म व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है? कौन मानता है कि जो पुनर्जन्म है वो व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होता है? गांधी जी या फिर श्री अरविंदो जी या फिर टैगोर या फिर राधा कृष्ण? इसका सही आंसर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया करिए तभी आप आंसर किया करिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। श्री अरविंदो, जैसे कि पहले ये पॉलिटिकली बहुत इन्वॉल्व होते थे लेकिन बाद में ये फिलॉसफी की तरफ इनका झुकाव बढ़ गया, ये एक फिलॉसफर बनकर निकले, एक अच्छे पोएट भी थे ये, तो उन्हीं का ही ये स्टेटमेंट है कि जो रिबर्थ है वो जरूरी होता है इंडिविजुअल के इवोल्यूशन के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मिला करें या बुक मिला करें या फिर कोई थ्योरी का पार्ट है तो आप उसे नोट करते चलिए साथ में। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, विच रेडियो स्टेशन डिड राम मनोहर लोहिया हैव अ सीक्रेट ब्रॉडकास्ट? राम मनोहर लोहिया ने किस रेडियो स्टेशन पर एक गुप्त प्रसारण किया था? ए बॉम्बे रेडियो, बी कांग्रेस रेडियो, सी बीबीसी रेडियो, डी क्वाइट रेडियो। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा रेडियो है जहां से राम मनोहर लोहिया ने सीक्रेट ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया था? इसका सही आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कांग्रेस रेडियो से ही राम मनोहर लोहिया ने सीक्रेट ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया था। अच्छा, सीक्रेट ब्रॉडकास्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? दरअसल ये रेडियो स्टेशन शुरू हुआ था क्वाइट इंडिया मूवमेंट के समय और लगभग 3 महीने चला था 1942 में, और सबसे पहले ये एक तरह से उस समय क्वाइट इंडिया मूवमेंट के समय ये माउथ पीस बन गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का,
यहाँ से ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ ये ब्रॉडकास्ट किया करते थे। डिफरेंट लोकेशन से बम्बई के ये ऑपरेटर था, बॉम्बे के ऑर्गेनाइज किया गया था उषा मेहता के थ्रू। और फिर बाद में इसमें विट्ठल दास भी जुड़े थे और लोहिया जी भी जुड़े हैं और पुरुषोत्तम त्रिकमा दास भी इस कांग्रेस रेडियो से एसोसिएटेड थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, व्हेन डिड तिलक स्टार्ट, ये स्टार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर स्टार्ट, व्हेन डिड तिलक स्टार्ट होम रूल लीग, तिलक ने होम रूल लीग कब शुरू की? ए अप्रैल 1916, बी मई 1916, सी मार्च 1919 या डी दिसंबर 1918। अप्रैल 1916 है, मई 1916 या मार्च 1919 या दिसंबर 1918। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसे हम पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री भी अगर आपने पढ़ा होगा तब भी आप सही कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं कि आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ने बैठें या तिलक जी को पढ़ने बैठें तभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, इतने से बहुत जीके का क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है प्रीवियस ईयर में। तो आपको कुछ इजी नहीं लेना है, कुछ बहुत टफ नहीं लेना है, बस अपनी प्रिपरेशन पर ही ध्यान देना है। इसका सही आंसर है ए। अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल लीग शुरू की थी बॉम्बे में, बेलगांव में। उसके बाद अन्नी बेसंत की सेकेंड लीग आती है अदियर मद्रास में सितंबर 1916 में अन्नी बेसंत ने शुरू की थी। और देखिए दोनों ही होम रूल का जो ऑब्जेक्टिव था वो सेम था, कॉमन था कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट प्राप्त करनी है इंडिया में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया गया है। ब्रह्म समाज है, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट सुधारवादी आंदोलन है, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट सुधारवादी आंदोलन, अलीगढ़ मूवमेंट, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट सुधारवादी आंदोलन, आर्य समाज, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट सुधारवादी आंदोलन। आप बताइए कि इनमें से कौन सा गलत मैच है। अब सुधारवादी देखिए चारों में लिखा है, तो इनमें से इसके बात यह है कि इनमें से कौन सा एक सुधारवादी आंदोलन नहीं है, वही यहां पर गलत होगा। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन है, आर्य समाज। इसका सही आंसर क्या होगा देखिए वन बाय वन देखते हैं। ब्रह्म समाज सुधारवादी आंदोलन है, ये बात बिल्कुल सही है, ब्रह्म समाज जो है सुधारवादी आंदोलन था, प्रार्थना समाज भी सुधारवादी आंदोलन था, अलीगढ़ मूवमेंट भी सुधारवादी आंदोलन था, लेकिन आर्य समाज सुधारवादी आंदोलन नहीं था, ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट नहीं है, ये सही मैच नहीं किया गया है। आर्य समाज रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, सुधारवादी आंदोलन बिल्कुल नहीं था। अब इन दोनों में अंतर क्या है, रिफॉर्मिस्ट में और रिवाइवलिस्ट में फर्क क्या है, सुधारवादी में और पुनरुत्थानवादी में क्या डिफरेंस है? देखिए सुधारवादी अगर आप देखें तो ये सुधार की बात करता है, जैसे कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन लाना चाहिए, हमें विडो रिमैरिज करानी चाहिए या फिर चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करना चाहिए, अबॉलिश करना चाहिए, इसकी बात, सुधार की बात करता है समाज में। लेकिन जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होता है, पुनरुत्थानवादी आंदोलन, ये पास्ट की ग्लोरी को वापस लेना चाहता है, जो पास्ट में जैसा होता था उसकी बात करता है। जैसे अब आप आर्य समाज देखेंगे तो आर्य समाज ने कोई सुधार की बात नहीं की, बल्कि इन्होंने, इनका मोटिव था गो बैक टू वेदास, वेद की तरफ चलो या वेद की तरफ लौटो, ये इनका मोटो था। साथ में थियोसोफिकल सोसाइटी जो एस्टेब्लिश की गई थी वो भी पुनरुत्थानवादी ही थी, देवबंद मूवमेंट आपने पढ़ा है वो भी पुनरुत्थानवादी थी, बाकी ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, ये सारा सुधारवादी आंदोलन है, लेकिन आर्य समाज सुधारवादी आंदोलन बिल्कुल नहीं है। आर्य समाज की स्थापना 1857 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी बॉम्बे में, और ये समाज वेस्टर्न कल्चर को बुरा मानता था। इसका मानना था कि जब वेस्टर्न कल्चर अगर आ जाएगा तो जो हमारा इंडियन कल्चर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, जबकि आप देखिए ब्रह्म समाज, उन्होंने वेस्टर्न को अप्रिशिएट किया है, इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दिया है, करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
14th क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज्ड द सेल्फ रिस्पेक्टिंग वेडिंग फेस्टिवल? आत्मसम्मान विवाह उत्सव का आयोजन किसने किया? ए पंडित रमाबाई, बी दीनदयाल उपाध्याय, सी पेरियार ई वी रामास्वामी, डी बाल गंगाधर तिलक। बताइए इसकी शुरुआत या इसका आयोजन किसने किया था? रमाबाई आपने पढ़ा है, उपाध्याय जी को भी पढ़ा है, रामास्वामी को भी पढ़ा है और तिलक को भी पढ़ा है। क्या कहीं आपको ये मिला कि कोई ऐसा भी फेस्टिवल इस थिंकर ने करवाया था? अगर आप कोई थिंकर पढ़ रहे हैं तो उन्हें आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया करिए। जितने भी आपके सिलेबस में, आपको बहुत ज़्यादा वाइड होने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस के ही थिंकर को फोकस करके पढ़ना है, तभी आप उन पर क्वेश्चन सही कर पाएंगे। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरियार ई वी रामास्वामी ने आत्मसम्मान विवाह उत्सव का आयोजन किया। इसमें क्या था, देखिए पेरियार जो ब्राह्मण थे उनके धार्मिक वर्चस्व को चुनौती देने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, इसका आयोजन किया था कि जो ब्राह्मण पीपल हैं उनको हम एक चुनौती दे सकें। तो इस विवाह उत्सव में उन्होंने क्या कराया था, ऐसा क्या किया, इन्होंने इस विवाह उत्सव में ब्राह्मण पुरोहित को बुलाए बिना ही विवाह संस्कार संपन्न कराए थे। ब्राह्मण यहाँ पर शादी कराने नहीं आए थे, विवाह में नहीं शामिल हुए थे, उनके बिना ही ये विवाह उत्सव हो गया था। ये रामास्वामी जी ने ही ऑर्गेनाइज कराया था, बस उनको ब्राह्मण पीपल्स को एक तरह से चुनौती देने के लिए, ये उनके खिलाफ थे, इसी वजह से उनकी विचारधारा के खिलाफ थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन है, हु कंसिडर्ड कम्युनिटी डेमोक्रेसी एज एन आइडियल डेमोक्रेटिक सिस्टम? सामुदायिक प्रजातंत्र को आदर्श लोकतांत्रिक प्रणाली किसने माना? ए राम मनोहर लोहिया, बी जे पी नारायण, सी एम एन रॉय, डी एम के गांधी। बताइए किसने माना कि जो सामुदायिक प्रजातंत्र होता है वो आदर्श लोकतांत्रिक प्रणाली उसको मानना चाहिए, वैसा ही लोकतंत्र होना चाहिए, किस विचारक ने माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेपी नारायण ने माना कि इंडिया के लिए, भारत के लिए सामुदायिक प्रजातंत्र ही एक आदर्श लोकतांत्रिक प्रणाली होनी चाहिए, जिसमें जेपी नारायण ने बताया कि टोटल 5 लेवल्स होंगे। प्राइमरी लेवल होगा, सबसे पहले प्राथमिक लेवल आएगा जहाँ पे ग्राम सभा होगी, उसके ऊपर क्षेत्र आएगा, एरिया लेवल जहाँ पर पंचायत समिति की एग्जीक्यूटिव होंगी, कार्यपालिका होगी, फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके ऊपर जिला लेवल पे जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव होगी, जिला परिषद कार्यपालिका, फिर स्टेट प्रांतीय सभा आएगी जहाँ पर स्टेट असेंबली होगी, और फिर नेशनल राष्ट्र सभा नेशनल असेंबली रहेगी नेशनल लेवल पर। इसी तरह जेपी नड्डा ने कहा कि जो समुदाय प्रतिनिधित्व होगा वही आदर्श लोकतांत्रिक प्रणाली माना जाएगा, जिसमें कि टोटल 5 लेवल्स जेपी नारायण ने दिए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप इन सारे स्टेटमेंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है, महात्मा गांधी कॉल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर एज अ गुरुदेव। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। सेकेंड है, रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड गांधी जी एज अ फादर ऑफ नेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को राष्ट्र का पिता कहा था। थर्ड है, सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड महात्मा गांधी एज महात्मा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा। केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकेंड स्टेटमेंट सही है, या फिर फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्टेटमेंट सही है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, सारे ही स्टेटमेंट सही हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक एक स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़िए वीडियो को पॉज करके, तभी आप सही कर पाएंगे आंसर। बताइए सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम मिशन फर्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी कॉल्ड रविंद्रनाथ टैगोर एज अ गुरुदेव। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा, क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। देखिए इनके नेम्स भी मैथ फॉलोइंग के फॉर्म में आते हैं। फिर रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड गांधी जी एज अ फादर ऑफ नेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को राष्ट्र का पिता कहा, क्या ये बात सही है?
ये बात बिल्कुल गलत है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहकर पुकारा था। फिर है सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड महात्मा गांधी एज महात्मा, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था, ये बात भी बिल्कुल गलत है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। और कहीं कहीं मेंशन होता है कि महात्मा इनको रेसिडेंस गुरुकुल कांगड़ा के लोगों ने इनको महात्मा कहकर पुकारा था 1915 में, और कहीं कहीं पर लिखा होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा का टाइटल दिया था। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बाकी दोनों गलत हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन है, विच थिंकर बिलीव्स दैट द सुल्तान एक्ट्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, किस विचारक का मानना है कि सुल्तान धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, ए कबीर, बी बरनी, सी इकबाल, डी फजलुल हक, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए और सारे ही थिंकर्स के थॉट्स को एक बार माइंड में रिवाइव करिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बरनी ने माना है कि जो सुल्तान है वो धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, और सुल्तान का मेन वर्क होना चाहिए प्रजा का कल्याण करना, क्योंकि उन्होंने कहा कि शरीयत में लिखा है कि जो सुल्तान है वो धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और इसलिए आम जनता की भलाई करना उनका कर्तव्य होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। फर्स्ट है, वाई सोशलिज्म इज अ बुक रिटन बाई जयप्रकाश नारायण, क्यों समाजवाद जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित एक पुस्तक है। सेकेंड है, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड इज रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज अ करेक्ट, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल फर्स्ट सही है या केवल सेकेंड सही है या फिर दोनों ही सही हैं या फिर एक भी सही नहीं है। देख लीजिए, देखिए इंडियन थिंकर्स जो आपके सिलेबस में हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के यूनिट में, मैंने उन पर एक अलग वीडियो बनाया है उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स का जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और आगे भी जो पूछी जा सकती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के बुक एंड सिलेबस में जरूर देखिए, वहां पर आपको वेस्टर्न थिंकर्स के भी इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर मिल जाएंगे और इंडियन थिंकर्स की भी बुक मिल जाएगी। तो अगर जिन्होंने भी उस वीडियो को देखा होगा तो वो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से सही कर सकते हैं, या आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा जयप्रकाश नारायण की किताब, रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, वाई सोशलिज्म, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर विद इन अ सेकेंड सही कर सकते हैं। समाजवाद क्यों, ये किताब जेपी नारायण की ही है, ये बात सही है। दूसरा है, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड किताब लिखी है, ये बात गलत है, रविंद्रनाथ टैगोर किताब नहीं है न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ये किताब श्री अरविंदो घोष की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे, अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और अपना स्कोर कमेंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप कमेंट में जरूर मेंशन कराइए कि आपको कहां पर क्या डाउट है। इस वीडियो को आप अपने उन सारे फ्रेंड्स और शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो आप उन्हें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जिससे कि उनकी कुछ हेल्प हो सके। और इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप ज़रूर देखिए, मोस्टली यूनिट से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप
नहीं, अगर नहीं लगाया है तो वन सीरीज से शुरू किया करिए, और लास्ट तक जितनी क्वेश्चन सीरीज कराई जा चुकी हैं आप उनको लाइन वाइज सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हुए। और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसे अपने नोट्स में भी ज़रूर नोट डाउन करिए, जिससे कि एग्ज़ाम के समय आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके, आप अच्छे से अपना रिविज़न कर सकें। तो अगर कोई पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट दिखा करे तो आप उसे नोट कर लिया करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सब्सक्राइब के बटन के बगल बेल आइकन दिया होगा, आप उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।